प्रदेश में दो चरणों के मतदान समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को राजस्थान में चुनाव समाप्त होने के बाद अन्य राज्यों की जिम्मेदारी भी सौंप दी है और जिसमें देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश शामिल है। और इसी सिलसिले में आज कुछ अहम लोगों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के उम्मीदवार का प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। प्रदेश में दो चरणों के मतदान समाप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब इसके बाद ही दूसरे राज्यों में अब चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। चुनाव प्रचार करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी वहां मौजूद हैं। प्रदेश में दो चरणों के मतदान समाप्त हो चुके हैं और अब उन्हें जिम्मेदारी मिल चुकी है और राज्यों के चुनाव प्रचार की। उनके साथ ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब दूसरे राज्यों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। दूसरे प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। प्रदेश में दो चरणों के मतदान समाप्त हो चुके हैं और इसके बाद अब और राज्यों में बचे हुए जो मतदान है, बचे हुए सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करते दिखेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। चुनाव प्रचार करने के लिए दिल्ली में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। आलाकमान ने सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम को प्रचार की जिम्मेदारी अब सौंपी है और प्रदेश में दो चरणों के मतदान समाप्त हो चुके हैं और इसके बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ताबड़तोड़ जनसभाएं, ताबड़तोड़ रैलियां की राजस्थान में और अब राजस्थान में चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और राज्यों के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। उन्हें जिम्मेदारी आज सौंप दी गई है और इसी बीच आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में है। आलाकमान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी जिम्मेदारी सौंपी है और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ। जी प्रीत, बताएं आज दिल्ली में है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिम्मेदारी सौंपी गई है चुनाव प्रचार की। जी बिल्कुल लवीना, जिस तरीके से प्रदेश में दो चरणों के बाद चुनाव खत्म हो चुके हैं और सभी जो प्रभारी है जो और इसके अलावा जो भी प्रत्याशी रहे वो सब अब अपने अपने काम से मुक्त हो गए हैं, जिम्मेदारी खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम जो है उनको अन्य राज्यों में जाके प्रचार करने की एक नई जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत दिल्ली में जो अभी चुनाव बाकी है सात की सात सीटों पे चुनाव होने हैं। इसके साथ ही पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में अभी कई जगह अभी चुनाव प्रचार अभी चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी प्रचार करने की जिम्मेदारी दी गई है। कल जिस तरीके से अब प्रियंका गांधी का रोड शो होगा दिल्ली में, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके रोड शो में शामिल होंगे और दक्षिणी दिल्ली के जो उम्मीदवार हैं विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर है उनका प्रचार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं। इसके साथ ही पंजाब में गुरदासपुर में भी जाकर के अभी मुख्यमंत्री प्रचार कर सकते हैं। फिलहाल इसके लिए अभी जाने का जो समय है वो निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन अन्य राज्यों में, कई राज्यों में जिस तरीके से यूपी में भी अभी प्रचार चल रहा है उसको लेके भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वहां पर प्रचार करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जी जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, प्रदेश में दो चरणों के मतदान समाप्त हो चुके हैं और इसके बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को और राज्यों की जिम्मेदारी आलाकमान ने सौंप दी है और इसी बीच दिल्ली में है आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अब कयास लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं जताई जा रही हैं कि प्रचार प्रसार में पूरी तरह से जुट जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।